हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्स DSM। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है वाईफाई के बारे में, कि हम वाईफाई का पासवर्ड अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में कैसे फाइंड करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, विंडो R प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंट्रोल, नीचे आ गया, इस पर ओके करेंगे। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क इंटरनेट के बाद यहाँ पर आएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है वाईफाई, ये जो मेरा डिवाइस इसके पास कनेक्ट है, ये जो मेरे लैपटॉप के पास जो भी वाईफाई कनेक्ट है डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल जाएंगे वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसका नाम नज़र आता है, SSID नंबर नज़र आता है Y66। यहाँ पर हम लोग सिंपल जाएंगे सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर शो करेक्टर में इस पर चिप लगाएंगे तो ये हमें पासवर्ड शो कर देगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।